फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो कि ONGC बायबैक के रिगार्डिंग है। आप अगर देखें तो मैं पिछला वीडियोस तेलुगु लैंग्वेज में बनाया था, उसके लिए वो उसमें मुझे व्यूज बहुत कम आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं हिंदी में बनाऊं। सो जो भी मेरे तेलुगु सब्सक्राइबर्स है वो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ हिंदी में बना पा रहा हूँ। अगले जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि मैं आपको तेलुगु वर्जन भी बना कर दूं। सो चलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ये वीडियो में ONGC के बारे में। वो क्या है कि आप अगर देखें तो ONGC बोर्ड ने 40 बिलियन रुपीस बायबैक लेकर आया है और वो करीबन 159 रुपीस पर है। सो वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्रूव फॉर बायबैक आर 25.29 करोड़ शेयर्स है। उसमें हमको रिटेल के कैटेगरी जो कि कैपिटल बिलो 2 लाख उनको 3.7 करोड़ शेयर्स अलॉट होंगे और उसका रिकॉर्ड डेट दिया है January 4, 2019। सो आपको आज 3 तारीख है, सो आज आपको खरीद कर रखना है। और दूसरी बात है कि अभी आप देखेंगे तो ONGC का रेट बहुत कम है, सिर्फ 143 रुपीस पर चल रहा है। उन्होंने दिया है 159 रुपीस का बायबैक दिया है कंपनी ने। सो आपको 10% तो मिल रहा है। सो आपको क्या करना है कि आपको जब आपको ऑफर लेटर आएगा बायबैक, नहीं तो अगर आप जाकर अगर आप ऑफर लेटर फिल नहीं कर पा रहे हो कोई मेल को, आप क्या करते हैं कि kite.0 अगर किनको भी जीरो दा अकाउंट है वो लोग क्या कर सकते हैं कि बैक ऑफिस में जाकर बैक के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो वो आप support.0 को जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देखकर आप कैसे बायबैक के ऑफर में आप कर सकते हो और आप कैसे पैसे कमा सकते हो। सो अभी तो रेट और दूसरी बात है फ्रेंड्स, हम लोग पहले फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। अभी इसका डिविडेंड तो इस साल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ONGC और किसी और में मर्जर होने वाला है, उसमें न्यूज है। सो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहा है कंपनी। और दूसरी बात है, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस को रिलेटेड है। अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है तो ONGC बढ़ेगा। अभी क्रूड ऑयल बहुत गिर चुका है, तो आप अगर चाहे तो बायबैक में कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना शेयर्स पे रख सकते हैं। आप मेरे राय में बायबैक में कर लीजिए, तो अगर आपके पूरे शेयर्स एक्सेप्ट हो गए तो अच्छे है, अगर 50% भी एक्सेप्ट हो गए तो ठीक है, अगर जो भी 50% है आप होल्ड कीजिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा शेयर में। 52 वीक्स हाई भी देखिए, 212 रुपीस पर चल रहा है अभी। पी रेशियो देखिए 7 है, इंडस्ट्री पी 10 है। सो कभी ना कभी ये इंडस्ट्री पी को तो ब्रेक कर ही जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बुक वैल्यू है 150 रुपीस, अभी चल रहा है 143 रुपीस पर। सो फाइनेंशियल्स भी देखिए, देखेंगे एक बार। देखिए सितंबर में, दिसंबर 2017 में 5000 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 5915, जून में 6143, सितंबर में 8000। सो
नेट सेल्स भी देखिए 22,000 करोड़ से अभी 27,989 करोड़, सेल्स में भी बहुत जंप हुआ है। सो अभी थोड़ा शेयर क्यों गिरा है कि रीजन है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत गिर चुके हैं, इसलिए ओएनजीसी का शेयर बहुत गिर चुका है। अदरवाइज ये शेयर अगर जब भी क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेंगे ये शेयर में भी बाउंस बैक आएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मेरे चैनल में तेलुगु और हिंदी वीडियोस बनाता रहता हूं। सो आपको शेयर मार्केट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो मैं आपको देता रहता हूं। सो आप मेरे वीडियोस को वॉच करते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।